कैसे हो बच्चों? क्या हाल है सबका? अच्छा, ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम। अरफा कैसी हो? मिशेल, रोलिका, शाइस्ता, नुजत, क्या हाल है सबका? गुड आफ्टरनून सबको कम्बाइन। गुड आफ्टरनून सलमान, क्या हाल है? आप लोगों को कैसे पता लगा मेरा लेक्चर है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँ, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई जब मुझे पता लगा तुम लोगों का लेक्चर है। मैंने कही तो मेरी क्लास है, मेरा ख्याल था दूसरी वाली, फोर्थ ईयर का। बाद में याद आया ये निकम्मे भी सीनियर हो गया। हाय सिद्रा। अच्छा, इसे पहचाना है? मैंने यही देखना था तुम लोगों को मैं याद हूं कि नहीं, मैंने इसलिए स्पेशल लिखा। मैं ठीक हूँ सबा, आप कैसी हो? तुम वाहिद तुम लोग हो जिनकी शक्लें मुझे याद हैं, बाकी मुझे किसी की भी याद नहीं है। सरेश, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी जो है ना, हम लेक्चर करवाते हैं, क्या नाम लेते हैं, मैं आज आपका, अब क्योंकि आपका सीसीएन का लेक्चर था, तुम लोग भी पी लो, ये लो ये लो। मिस मिस आदिया, अकेले अकेले चाय, थर्ड ईयर है। अच्छा सलमान, मुझे लगा तुम ज्यादा हो गए हो, काश मैं भी तुम लोगों की वीडियो देख सकती। मैं ठीक हूँ। वरदा, आप कैसी हो? सारे लोग क्यों नहीं ऑनलाइन हुए हो? बस इतने लोग ही आते हो? ओ अच्छा, आरफा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक भिजवा दो जल्दी से। तुम्हें पता है ये लेक्चर देखे भी जाते हैं, और अगर किसी ने मेरी ये सारी चवलें देख ली ना, उन्होंने मुझे निकाल के बाहर कर दिया। ये लेक्चर यूट्यूब पे चलते हैं। अच्छा फाइनल ईयर, बस खुश हो जाओ फाइनल ईयर। कैसी हो इरम? मैं तुम्हारे मैसेज ही देख के तुम लोगों के खुश हो सकती हूँ। मैं अब तुम लोगों को देखता तो सीरियस तो देख नहीं सकती हो। तुम्हें पता है इसके ऊपर पिक्चर अपलोड होती भी नहीं है कोई। आज मैंने नया सूट पहना, देखो, ईद की खुशी में। अच्छा चलो, हम अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? क्या है हमारा टॉपिक आज? है अडल्ट बीएलएस एंड एसीएलएस, ठीक है? ग्रुप में जल्दी से मैसेज कर दो कि सारे लोग ऑनलाइन हो जाओ, इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अच्छा वरदा, मैं भी याद करती हूँ आप सबको। थैंक यू फातिमा। मैं भी तुम सबको बहुत याद करती हूँ, इसलिए ग्रुप के अंदर मैंने काफ़ी सारा ईद मुबारक लिखा था। मैंने कहा मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। थैंक यू इरम, तुम्हारी तो आंखें ही बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सैरिश। सैरिश की टिकटॉक देखिए, बड़े ज़बरदस्त बनाती है। अच्छा चलो, अब लेक्चर क्या का देखते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है? अच्छा चलो, आज का हमारा टॉपिक है अडल्ट बीएलएस और एसीएलएस, ठीक है? शुक्रिया शुक्रिया वरदा, ये तो कुछ ज्यादा ही डायलॉग नहीं हो गया? और ये तुम लोग अपने मैसेजेस प्राइवेट में ना करो, ओपनली करो, सबको देखने दो। वरदा ने, मैं बताती हूँ तुम्हें, वरदा ने मुझे क्या कहा। वरदा ने मुझे कहा है, सुकून आ गया आपकी आवाज सुन के मैम। सलमान तुम मना आ जाओ। अच्छा मुझे भी बड़ी हो रही है, तुम देख सकते हो मैं कितनी ब्लश कर रही हूँ। ये ना समझना धूप से आई हूँ, खुशी से कर रही हूँ।
सलमान तुम मना हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। समरा क्या हाल है? हाय लाइबा। मुझे तो लगता है आज लेक्चर नहीं होना। ईद कैसी रही तुम लोगों की? मजा आया? लाइबा तुमने घर में की थी या ससुराल गई थी? मैं ठीक हूँ। समरा तुम कैसी हो? बाकी लोग नहीं ऑनलाइन हुए? रूप नहीं है, सिमरा नहीं है, और वो भी नहीं है, दोनों सहेलियाँ, नजफ और उसकी सहेली। सही, अच्छी बात है। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी बात है। फिर हम तुमने बच के रहना था, जब कुर्बानी की ईद आती है ना, तुम बची रहा करो, छुप जाया करो। अच्छा, शाहरुख वगैरह ऑनलाइन नहीं हुआ? ना शाहरुख हुआ है, ना ही दूसरा आमिर हुआ है, ना ही अली है। मैंने गनी को रिलीव किया हुआ है, मैं आपका सीसीएन का लेक्चर ले रही हूँ। मैंने फिलहाल गनी को रिलीव किया, वो ईद पे घर गया हुआ। तो मैंने आपका अच्छा सा टॉपिक एक रखा था, तो मैंने कहा कि आपको चलो सीसीएन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। तुम लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, जो अभी वाली जो सेकेंड ईयर प्रमोट हुई है थर्ड ईयर में, उनको मेंटल हेल्थ पढ़ने का बड़ा मज़ा आ रहा है। वो लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा है मेंटल पढ़ने का। है ना जोक ऑफ द डे? अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है अडल्ट और एक होता है पीडियाटिक का, बीएलएस भी और एसीएलएस भी। बीएलएस क्या है? ये प्री रिक्विजिट होता है, जब तक आप बीएलएस नहीं करते आप एसीएलएस नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, और इनके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और जो सर्टिफाइड होता है उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो माना जाता है। इसकी सर्टिफिकेशन जो है वो 1 साल की होती है, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको दोबारा से करना पड़ता है। तो ये बेसिकली ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेस्ड होता है कि आपको आपकी प्रैक्टिस क्या है सीपीआर करने की। बीएलएस क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट है। और जो एसीएलएस है वो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है, ठीक है। तो एडवांस जो है उसमें सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है कि बेस वही है बीएलएस वाली है, एडवांस में ये होता है कि उसमें मेडिसिन ऐड हो जाती है कि आपने जो कार्डियक कार्डियो सेलेक्टिव मेडिसिन है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और बीएलएस में सिर्फ आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट देनी है। बेसिक में क्या आ जाता है कि आपने सीपीआर करना है और आपने पेशेंट को जो है वो ब्रेथ्स देनी है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन क्या कहती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जो उसकी गाइडलाइंस हैं जो कि 2015 में चेंज हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सीपीआर है वो चेंज हो के सीपीआर की जो प्रैक्टिसेज हैं वो, इससे पहले थी हमारे पास एबीसी, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। लेकिन जब 2010 में जब ये बनी थी, तो मतलब जब ये बनी हुई थी, रूटीन चल रही थी, तो जब इसके ऊपर नए जब नए काम हुए और क्रिटिक हुई, आपको पता है जब कोई भी चीज़ बनती है तो उससे रिलेटेड क्रिटिक्स निकलती हैं। जब अभी आप फोर्थ ईयर में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। तो जब इसके उन्होंने देखा कि भाई जब हम एयर वे क्लियर करते रहते हैं, हम सर्कुलेशन के ऊपर फोकस नहीं करते, लेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो हार्ट है वो वापस नहीं आता। तो अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो जब हार्ट जल्दी आ जाएगा तो ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा फोकस जो है वो हार्ट के ऊपर करना चाहिए। जब हार्ट ही प्रॉपरली पंप करेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं रुक सकती। तो इस तरीके से उन्होंने एबीसी को सीएबी में कन्वर्ट कर दिया, जब उसके ऊपर जब उसके ड्रॉबैक्स देखे और इस तरह की चीज़ें देखी। तो ठीक है, समझ आई मेरी बात की? तो इसमें जो चेंजेस आई हैं, ये एबीसी से कन्वर्ट होके सीएबी में जो गया है, ये गया है 2015 में। तो ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। तो वर्ल्ड वाइड जो चलती है हार्ट से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं, सीपीआर की स्पेशली, या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ही करती है, जिसे एएचए बोला जाता है, ठीक है। अब हमारा कंटेंट क्या है? हमने बेसिक लाइफ सपोर्ट देखना है, उसकी हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे। सीपीआर की टेक्निक क्या है वो आज हम देखेंगे, चॉकिंग क्या होती है और एसीएलएस क्या है, ठीक है।
ये हम देखेंगे और साथ में हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में? बात की समझ आ रही है क्लियरली? अच्छा, BLS में क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो क्या करेगा? अडल्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम हम साथ में बताएंगे, 2015 की अपडेट्स बताएंगे। इसमें क्या है कि CAB जो है, CPR इज एज इजी एज CAB, यानी कि क्या है, कंप्रेशन या सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। ठीक है। अच्छा, तो क्या है कंप्रेशंस में? क्या है, पुश करना है हार्ड एंड फास्ट। ठीक है। अब सारी चीज़ जो है, टोटल इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है तो आपका CPR परफेक्ट होगा। ठीक है। कंप्रेशन क्या है? पुश आपने करना है, हार्ड होना चाहिए यानी कि डीप होना चाहिए, और फास्ट होना चाहिए यानी कि हमें 100 से 120 का रेट देता हो। हार्ड इतना होना चाहिए कि डीप इतना चला जाए कि हार्ट को हम जब हम कंप्रेशन देंगे चेस्ट के ऊपर यानी कि रिब्स के ऊपर, तो इतना डीप होना चाहिए कि वो हार्ट भी उतना पुश हो उसके साथ। ठीक है। इसके अलावा एयरवे क्या है? हमने टाइमली एयरवे उसका क्लियर करना है। पेशेंट का हेड जो है वो हमने चिन लिफ्ट करनी है, हेड को आपने क्या है एक्सटेंड कर देना है, टिल्ट करना है, और आपने CAB की, इसके साथ CE की टेक्निक आपने यूज़ करनी है। सी से आपने इस तरीके से जो है वो आपने बैक को पकड़ना है, और ई से आपने चिन को लिफ्ट करना है। तो एयरवे के लिए आपने CE टेक्निक यूज़ करनी है, और ब्रीदिंग में आपने, अगर आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की ज़रूरत पड़ रही है तो आपने पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीद करवाना है। अगर नहीं तो आपने जब हेड जो है वो टिल्ट किया और चिन लिफ्ट की, तो इससे आपने पेशेंट का एयरवे ऑलरेडी क्लियर कर दिया। तो ब्रीदिंग में आपको चाहे एम्बो से देनी पड़े, चाहे माउथ टू माउथ देनी पड़े, इन दोनों सिचुएशंस में क्या होगा कि पेशेंट को ब्रीदिंग जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही अब होता क्या सिनेरियो, मैं आपको बताऊं। जैसे कि सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि आपका, आप शॉपिंग मॉल में जा रहे थे और वहाँ पे एक पेशेंट जो है वो फॉल कर गया, एक कोई भी आम नॉर्मल बंदा गिर गया नीचे। ठीक है। आपने उसे देखा तो आपने क्या किया है कि आप फ़ौरन से भाग के उसके पास गए हो। ठीक है। तो आपने सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका रूप क्या हाल है, आपका सबसे पहले जो होना चाहिए स्टेप होना चाहिए, आपने, दो सिचुएशंस होती हैं। एक होता है कि कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, या कोई एकदम से कहीं पे आग लगी है, और कोई आप किसी गिरे हुए बंदे को या किसी फेंट बंदे को आपने बचाने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि जिस जगह आप जाने लगे हो, जिस सीन में जाने लगे हो, उधर सीन की सेफ्टी है या नहीं आपके लिए। पता लगे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, या आग के शोले निकल रहे हैं, बिजली की तारें बिखरी हैं, और आप भाग के पेशेंट को, किसी को बचाने जा रहे हो, तो इस दौरान क्या होगा कि आपको खुद भी नुकसान पहुंच सकता है। तो सबसे पहले आप सीन देखो क्लियर है या नहीं। ठीक है। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो करंट लगने से बेहोश हुआ, आपको नहीं पता, आसपास सारी बिजली और ज़मीन पे, फ्लोर पे सारा पानी, और आप भाग के पेशेंट को हाथ लगाते हो तो आपको भी करंट लग सकता है। तो सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है सीन सेफ्टी को। ठीक है। अगला क्या होता है, आपने जैसे ही गए हो आपने देखना है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं, विक्टम को आप असेस करोगे। अब आप ये देख सकते हो, ये एल्गोरिदम के ऊपर हर चीज़ आ रही है। ठीक है। एल्गोरिदम को मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ, ये वर्ल्ड वाइड यही है। ठीक है। आपने पेशेंट को देखा तो आप क्या करोगे, पेशेंट लेटा हुआ है नीचे फ्लोर पे, तो आप उसके शोल्डर पे टैप करोगे, जोर जोर से हाथ मारोगे, अगर अंकल है तो अंकल, अगर आंटी है तो आंटी, या जो भी आपने बुलाना है उसको करोगे शोल्डर पे टैप करके। जैसे ज़मीन पे लेटा हुआ तो आप जोर जोर से ऐसे शोल्डर पे हाथ मारते हो, थप्पड़ मार के उसे कहते हो, अंकल आंखें खोलें, मेरी तरफ देखें, अंकल आंखें खोलें, इस तरीके से आप जोर जोर से आवाज़ देते हो पेशेंट को। ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो अगर आपको रिस्पॉन्स दे दे तो ठीक है, अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि विक्टम जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है। तो आपको क्लियर हो गया कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, जो भी विक्टम है। तो आपने क्या करना है, अब आपने नियर बाय जो आपके आसपास हैं, आप अकेले थे, सपोज इरम थी और रूप थी। ठीक है। तो आपने देख, आप दोनों अकेले हो, अब आप क्या करोगे, या इरम ने पेशेंट देखा, इरम भागी गई है पेशेंट के पास, पेशेंट को चेक किया रिस्पॉन्सिव है या नहीं, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, सामने से रूप आ रही थी सेल्फियां बनाती हुई। ठीक है। इरम ने जैसे ही देखा, इरम ने रूप को बुलाया, क्या कहेगी, बाजी बाजी मेरी बात सुने, इधर आए, इधर आए मैडम, इधर आए, मेरी बात सुने, सेल्फियां बाद में बनाना। आपने क्या किया, आपने शाउट किया फॉर नियर बाय हेल्प। ठीक है। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स देखा, सेकंड काम आपने क्या किया, आपने नियर बाय हेल्प के लिए बुला लिया, उसमें सामने से एक बंदा आ गया। अगला काम क्या किया आपने, क्या किया
आपने अगला काम ये करना है कि आपने जैसे ही बताया कि ये रिस्पोंड नहीं कर रहा, ये विद इन सेकेंड्स होना चाहिए, तो जो आपके पास सेकेंड हेल्प आएगी वो नियर बाय जो इमरजेंसी जो एक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम टीम होती है उसको वो कॉन्टेक्ट करेगी। जैसे कि अगर आपके वहाँ पे सिक्योरिटी तो सारी, अगर मॉल वगैरह में है तो सिक्योरिटी अरेंज हो जाएगी, आ जाएगी। अगर आप कहीं बाहर सड़क वगैरह पे है या भले मॉल में भी है, तो आपने 112 122 पे कॉल करनी है। हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम क्या है पाकिस्तान का, 112 122, आपने उस पर कॉल करनी है। अगर आप हॉस्पिटल में है तो जो हॉस्पिटल का सिस्टम है आप उस पर कॉल करोगे, जैसे 888 है हॉस्पिटल का इमरजेंसी कॉल सिस्टम जो है, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो तो आपने उसे कॉल कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब एक बंदा कॉल कर रहा है, दो लोग इसलिए बुलाए हैं कि अगर एक कॉल कर रहा है तो दूसरे ने क्या करना है कि इसी दौरान चेक करना है, लुक फॉर नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग एंड चेक पल्स, ठीक है। तो देखना है जैसे ही आप पेशेंट का रिस्पॉन्ड चेक कर रहे हो तो आपने फ़ौरन से पेशेंट की तरफ वो जो लुक लिसन फील वाला है वो करना है। साथ में अपनी 2 to 3 फिंगर जो है कैरोटिड पे रख के आपने चेक करना है कि पेशेंट की पल्स कैसी है, और ये लेस देन 10 सेकेंड्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि विद इन सेकेंड्स 10 सेकेंड्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा का आपने टाइम नहीं लेना, ठीक है। तो अब दो लोग हैं, एक वो है जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस चेक की, फिर उसने सामने वाले को हेल्प के लिए कॉल किया, जैसे ही वो आ गया तो उसने 112 122 पे कॉल कर दी, और जो बंदा पेशेंट को ऑलरेडी अटेंड कर रहा था जैसे कि इरम थी, इरम का ये काम है कि उसने साथ ही पेशेंट की कैरोटिड चेक की 2 to 3 फिंगर्स के साथ, और साथ ही पेशेंट की चेस्ट के ऊपर ऐसे नज़र रखी कि चेस्ट राइज कर रही है या नहीं, ब्रीदिंग का पता लग गया, साथ ही पल्स का भी पता लग गया, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास तो वॉच नहीं है तो मैं मोबाइल से देखूंगी, मैं कैसे पल्स चेक करूंगी, तो पल्स देखने का तरीका ये होता है कि आपने जो 10 सेकेंड्स काउंट करने हैं वो आप कैसे करोगे, आप काउंट करोगे 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने उसको, या फिर हाँ 2000 ही बोलते हैं, तो इस पे आपके 10 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर पल्स नहीं फील हुई तो इसका मतलब है कि उसकी हार्ट की एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ तक आप पहुँच गए हो कि उसे CPR की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि फ़ौरन से अब अगले स्टेप पे चले जो आपकी राइट साइड पे है, इसकी नॉर्मल ब्रीदिंग भी नहीं है और पल्स भी नहीं है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीदिंग आप प्रोवाइड करोगे, वो आप कैसे करोगे। अब अगर पेशेंट की नो ब्रीदिंग है, डाउनवर्ड आ जाओ पिंक के बाद ब्लू पे, नो ब्रीदिंग है और पेशेंट गैस्प कर रहा है और नो पल्स है, हल्की फुल्की उसकी रेस्पिरेशन है, तो आपने क्या करना है, आपने CPR स्टार्ट कर देना फौरन से ही बगैर कुछ किए। नो पल्स नो रेस्पिरेशन, एकदम से इरम शाउट करेगी, ऊंचा सा बताएगी सामने वाले को और CPR स्टार्ट कर देगी, ठीक है। साइकिल बिगिन कर देगी, इसमें 30 कंप्रेशन होगा और 2 ब्रेथ्स होंगे। और अगर अगर आप हॉस्पिटल में हो और आपके पास आसपास कहीं पे AED यानी कि ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस आपके पास, डिफिब्रिलेटर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको यूज़ करोगे जितनी जल्दी हो सकता है। पहले रिदम देखोगे, फिर वो उसको शॉक प्रोवाइड कर दोगे, दे दोगे, डिलीवर कर दोगे। अगर नहीं है पेशेंट को शॉक की ज़रूरत तो आप उसे CPR करते रहोगे जब तक कि टीम नहीं आ जाती आपके पास, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नहीं आ जाती हॉस्पिटल में या फिर बाहर कहीं पे भी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपने पेशेंट, अब मैंने आपको पहले बताया था मॉल का, ठीक है, आपको मैं सेकंड ऑप्शन देती हूँ कि आपका पेशेंट जो है वो CCU में है या वार्ड के अंदर है। थोड़ी देर पहले तो पेशेंट ठीक था, आप उसको मेडिसिन लगा के आ गए, अपने काम शाम करके आ गए, जब आप दोबारा गए हो कि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन सांस बहुत खराटों के साथ ले रहा और आपको ऐसे फील हो रहा है कि उसकी आइज भी ऊपर की तरफ रोल हो रही हैं और पेशेंट अजीब सा कोलैप्स सा लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से उसको बुलाओगे शाउट करके, उसके कंधों पे टैप करके, अंकल आंखें खोलें, अंकल आंटी आंखें खोलें, क्या हुआ आपको। उसने नहीं रिस्पॉन्स दिया तो आपने क्या करना है, आपने अपनी अंदर की जो टीम है उसको बुलाना है, आपकी वार्ड में जो भी है, सिस्टर जल्दी आए पेशेंट बेड नंबर 10 पे कोलैप्स हो गया, सिस्टर जल्दी से आए पेशेंट को ये हो गया ये, बेड बता के आप जल्दी से उन्हें वहाँ पे बुला लोगे। जब तक टीम सारी आ रही है आपने उसकी कैरोटिड चेक कर लेनी है, ठीक है, ये नहीं कि आप मॉनिटर अटैच कर रहे हो, आप सबसे पहले कैरोटिड चेक करोगे, कैरोटिड आ रही है या नहीं आ रही, उसकी चेस्ट के राइज एंड फॉल चेक कर लोगे। अब आपने ये सारा कुछ 10 सेकेंड्स के अंदर करना है, अगर नहीं है तो आपने फ़ौरन बेड आप ऑलरेडी स्ट्रेट कर चुके होगे, आपके पास कोई आसपास उसका रिलेटिव है, जब आप उसका उसकी 10 सेकेंड्स की पल्स काउंट कर रहे हो तो अटेंडेंट को कहो कि बेड को घुमा के नीचे कर दें, बेड बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, ठीक है।
बेड स्ट्रेट हो गया तो आपने ऊपर आके पेशेंट का कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है, चेस्ट कंप्रेशन, और 30 कंप्रेशंस आपने देने हैं। ठीक हो गया। अब इस दौरान पहली हेल्प आपने तब कॉल की जब आपने देखा कि पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आसपास के लोग बुला लिए। अगली आपने हेल्प कब कॉल करनी है, जब आपने देख लिया कि पेशेंट का की पल्स भी नहीं है। ठीक है, पेशेंट की हार्ट की एक्टिविटी कोई नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने आवाज़ दे के कहना है सिस्टर आपदा, या सिस्टर जो भी है, सिस्टर सायरा या सिस्टर आपदा, या आपने रूप को या फातिमा को बुलाया, जल्दी से एमरजेंसी ट्रॉली और डीफिब ले आओ। ठीक है, जल्दी से एमरजेंसी ट्रॉली और डीफिब ले आओ। तो वो क्या करेंगे, वो भागे आएंगे और जल्दी से अपने ये डीफिब और ट्रॉली वगैरह ले आएंगे, और साथ ही जो है वो कॉल कर देंगे 1188 पे, या 1122 पे, या 888 पे कॉल करके कह देंगे कि अब उन्होंने क्या करना है, इन्फॉर्म तो करना है ना टीम को, BLS की आपको पता टीम आती है, तो BLS की टीम आएगी तो 888 पे उन्होंने कॉल करके क्या बताना है, आपने CPR स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो एक बंदा जो इमरजेंसी कॉल लगाएगा रिस्पॉन्स टीम को, तो वो अपना कंप्लीट एड्रेस बताएगा। एड्रेस आपका क्या है कि आप बताओगे कि एक पेशेंट गिर गया है पैकेजेस मॉल में फ्लोर नंबर 2 के ऊपर, और सना सफीनाज के सामने गिर गया है, या फिर जो है वो उसके सामने है कीथ एंड चार्ल्स के सामने गिर गया है, फलानी जगह किसी किसी शॉप के सामने गिरा हुआ है, तो आपने आना है, 1122 वाले उधर आ जाएंगे। ये आपने कंप्लीट एड्रेस देना है नाम पते के साथ। अगला, आपने अगर बॉर्ड के अंदर गिरा तो आप बताओगे कि क्या है कोड ब्लू। ठीक है, हमने रखा होगा BLS के लिए, अगर टीम बुलानी है तो हम कोड ब्लू कहते हैं। ठीक है, अगर आग लग गई है तो हमने उसका कोड रेड रखा हुआ है। ठीक है, अगर पेशेंट गुम हो गया, बच्चा गुम हो गया, चोरी हो गया, तो चाइल्ड एबडक्शन हमने रखा हुआ है कोड येलो। ठीक है, और अगर बिल्डिंग वो कर गया, कोलैप्स कर गया, तो उसका कोड ब्लैक रखा हुआ है या कोड ग्रे है। ठीक है, इस तरह सब चीज़ों के कोड्स रखे होते हैं। तो फिर जब हम हॉस्पिटल में अनाउंस करते हैं तो हम कहते हैं कोड ब्लू फीमेल सर्जिकल बेड नंबर 10, कोड ब्लू फीमेल सर्जिकल बेड नंबर 10। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा 888 पे कॉल करनी है, फ़ोन ऊपर उठा, रिसीवर कान को लगाते कहना है कोड ब्लू एमरजेंसी, कोड ब्लू फीमेल सर्जिकल बेड नंबर 10, कोड ब्लू फीमेल सर्जिकल बेड नंबर 10, कोड ब्लू फीमेल सर्जिकल बेड नंबर 10। 3 दफ़ा आपने हॉस्पिटल में हो तो अनाउंस करोगे, या एमरजेंसी ICU, एमरजेंसी ICU, एमरजेंसी ICU। ठीक है, इस तरीके से आप बताओगे तो इससे कंप्लीट एड्रेस चला जाएगा, और आपको पता है कि स्पीकर्स के ऊपर अनाउंस हो रहा होता है, तो वो जो स्पीकर पे जो कोई भी सुनेगा, जो जो एमरजेंसी टीम का बंदा है, BLS टीम का, जितने भी लोग हैं, वो फौरन से वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये तो हो गया ये सिचुएशन, जो सेकंड बंदा कॉल करने वाला है, अब उसने ब्रेथ भी प्रोवाइड करनी है। अब ये मैंने आपको एक कंप्लीट सिचुएशन बताई है जिसमें ब्रीदिंग भी नहीं है और गैस्प कर रहा है और पल्स भी नहीं है। एक ये होगी, एक वो होती है सिचुएशन जिसमें नॉर्मल ब्रीथ कर रहा और उसकी पल्स हो, तो आपने मॉनिटर करना है जब तक कि एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नहीं पहुंच जाती, पेशेंट अभी सीक हो रहा है, हुआ नहीं है, कम्प्लीटली अरेस्ट में नहीं गया। इसके अलावा नो नॉर्मल ब्रीदिंग है लेकिन पल्स है, ब्रीदिंग ठीक नहीं है लेकिन पल्स उसकी आ रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्क्यू ब्रीदिंग उसको प्रोवाइड की जाएगी, एम्बो वगैरह करवाएंगे, 1 ब्रेथ देंगे एवरी 5 to 6 seconds में, और अबाउट 10 to 12 breaths देंगे पर मिनट, एक्टिवेट कर देंगे एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को, यानी कि कॉल कर देंगे कि पेशेंट को जब वो है एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की ज़रूरत है, यानी कि उसको हो सकता है ETT डालनी पड़ जाए, वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाए, तो आप लोग अवेलेबल हो जाओ। कंटिन्यू हम रेस्क्यू ब्रीदिंग देते रहेंगे, अब एम्बो से हम ब्रीदिंग देंगे। इसके अलावा क्या है, चेक करेंगे पल्स अबाउट एवरी 2 मिनट्स, देखते रहें कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है तो कहीं जो है वो कार्डियक अरेस्ट में ना चला जाए। फिर इसके बाद क्या है, अगर 9 पल्स है, दरमियान में पल्स चली गई है, तो आप CPR फौरन से स्टार्ट कर दोगे इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो ओपियोइड ओवरडोज, इफ पॉसिबल ओपियोइड ओवरडोज एडमिनिस्टर, अगर पेशेंट को दिया गया है कोई भी टाइप का ओपियोइड दिया हुआ है, ओवरडोज हो गया है, तो उसके लिए नैलोक्सोन देंगे अगर ज़रूरत है तो। आपको पता ही है कि अगर ओवरडोज हो तो उसका ये एंटीडोट है, ताकि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डीप स्लीप जा रहा है इसलिए कि उसने ओवरडोज में कुछ लिया हुआ है, तो उसका हम एंटीडोट देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ये आप सिचुएशन देख सकते हो। जब हम बात कर रहे हैं, हम बार बार के CPR करेंगे CPR करेंगे, तो माइंड में आता है कि CPR करना कैसे है। ठीक है, तो CPR करना कैसे है, उसके लिए ये इन्होंने यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर दिखाई हुई, आप ये देख सकते हो कि आपने पोजीशन क्या रखनी है CPR के लिए। सबसे पहले तो आपने पेशेंट के बिल्कुल ऊपर आ जाना। ठीक है,
ऊपर किस तरह से आना है कि जब आप पेशेंट को जब सीपीआर करो तो आपकी आपका फुल जो जोर है, फुल जो प्रेशर है उसकी चेस्ट के ऊपर हो, आपकी एल्बो बिल्कुल भी बेंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी नेक किस एंगल पे होनी चाहिए, आपकी अप स्ट्रोक आपका कैसा होना चाहिए और डाउन स्ट्रोक किस तरह से होना चाहिए, यानी कि आपका आपका सारे का सारा प्रेशर जो है वो आपके हिप ज्वाइंट के ऊपर होना चाहिए, आपकी सारी मूवमेंट जो है वो हिप ज्वाइंट पे होनी चाहिए जब आप, और आपने करना क्या है आप ये देख सकते हो कि जैसे इस पिक्चर में आप ये जो डमी है इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि आपकी आपका ये जो पैड है ये आपने रखना है उसके स्टर्नम के ऊपर इस तरीके से, और उसके ऊपर से आपने चेक आप क्या करोगे, आपने जीफी स्टर्नम के से थोड़ा सा आपने ऊपर जाना 2 to 3 fingers, और वहां पे आपने हाथ इस तरीके से अपना पैड रखना है और इस तरह फिंगर से लॉक कर देना, ताकि जब आप जो जब आप प्रेशर डालोगे, जब आप वजन डालोगे तो आपकी ये जो पाम है ये फुल प्रेस करे आपके स्टर्नम को, स्टर्नम जो है डायरेक्ट हार्ट को जाके हिट करे, ठीक है। तो क्या है कि ये पोजीशन है जिस तरीके से आपने करना है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक मिडल लाइन हम लगाते हैं और दोनों जो दोनों निप्पल्स हैं उनको हम आपस में इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो दोनों को क्रॉस करने से दरमियान में जहाँ पे जंक्शन बनता है एक लाइन का, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो वो जो जंक्शन वाला पॉइंट होता है वहाँ पे हमने अपना हाथ रखना होता है, ठीक है। पोजीशन ये होगी, आप देख सकते हो जब पेशेंट को फ्लैट किया हुआ है या बेड पे है, इवन अगर बेड पे भी है तो जब तक आप बेड के ऊपर पूरा नहीं आ जाते आप पेशेंट के साथ इस तरह से पोजीशन नहीं बना सकते। अगर कोई बहुत लंबा और काफ़ी हेल्दी है तो उसके लिए इजी है, लेकिन अगर आप जैसे लड़कियां हैं, जैसे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं जिनकी हाइट कम है, तो जब तक बेड के ऊपर इस तरीके से नी के साथ आ नहीं जाते तब तक बड़ा मुश्किल होता है पोजीशन प्रॉपर बनाना, ठीक है। और जो लोग अब इसकी पोजीशन आप देख सकते हो कि इसने जो अपना सर है वो भी किस तरीके से पोजीशन में रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती है, क्योंकि सीपीआर करने के लिए आपका अपना पोस्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके ही बहुत सारी दर्दें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। तो मूवमेंट जो है वो हिप ज्वाइंट के ऊपर आना चाहिए, ये हाथ बिल्कुल भी यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, आपने जस्ट ऊपर नीचे इस तरीके से होते रहना, अगर आप अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव करोगे तो आपका ये ज्वाइंट निकल सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी एक और चीज़ है कि जो सीपीआर कर रहे हैं उनके अपने नी अच्छे होने चाहिए, अगर उनके नी का इशू है, नी जॉइंट का कोई इशू है, या कोई प्रेग्नेंट है, या अगर कमर का इशू है, तो वो बराए मेहरबानी इससे अवॉइड करें, ठीक है। अब जब हम सीपीआर की बात करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हाई क्वालिटी सीपीआर होना चाहिए, ठीक है। हाई क्वालिटी क्या होता है कि 100 to 120 beats per minute होना चाहिए, और डीप कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर्स में 5 to 6 centimeters डीप होना चाहिए, ठीक है, और इंचज में 2 to 2.4 हो, ठीक है। अब क्या है पोजीशन जो है वो पेशेंट की ऑन हार्ड सरफेस इन सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए। हार्ड सरफेस कैसे होगी, पेशेंट अगर बेड पे लेटा हुआ है तो उसे उठा के ज़मीन पे लेटा के तो नहीं आप सीपीआर करोगे ना, इतना टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं वेस्ट कर सकते। इसका तरीक़ेकार ये है कि जो हमारी क्रैश कॉट होती है आपको पता है कि उसके पीछे एक कार्डियक टेबल होता है, इतना सा एक हार्ड बड़ा सारा एक हार्ड सा वो होता है टेबल, वो होता है एक बोर्ड सा होता है, उसके साथ आपने देखा होगा कि इस तरह से पकड़ने के लिए ऐसे कट लगा होता है जिसके अंदर हम हाथ डाल के उसे उठा सकते हैं, वो बैक साइड पे रखा होता है क्रैश के, वो बेसिकली उसे कार्डियक बोर्ड कहते हैं। वो हम पेशेंट की चेस्ट बैक के बिल्कुल हम पेशेंट की जो है कमर के शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे रखते हैं, ताकि जब हम प्रेशर दें तो बेड के साथ, क्योंकि अब मैट्रेस है तो मैट्रेस दब सकता है, तो जब हमने वो बोर्ड के ऊपर पेशेंट को लिटाया होता है तो उसके बाद जब हम प्रेशर देते हैं तो बिल्कुल हम अपने एग्जैक्ट क्वालिटी का पेशेंट को पुश कर सकते हैं। स्पीड ऑफ कंप्रेशन जो है, यानी कि जो हमने हार्ट रेट देना है वो 100 से 120 per minute होना चाहिए, यानी कि जो आप कंप्रेशन दोगे वो 1 minute के अंदर 100 से 120 beats दें, ठीक है। यानी कि हम 5 cycle देते हैं, 5 cycle के अंदर हमने पेशेंट को 30-30 देनी होती है, ठीक है। तो 30 compression जब हम देते हैं और 5 दफ़ा देते, 1 minute में हमने 5 दफ़ा देना है, तो ये कितना बना, 5 दिया 15, ठीक है। तो 100 से हमने 120 का मिनट का हमने उसे कंप्रेशंस देने होते हैं, ठीक है। स्पीड जो है वो बीट जो है वो 100 से 120 beats per minute आनी चाहिए। एडिक्वेट डेप्थ होनी चाहिए, कितना डीप जाना चाहिए, हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए, हार्ड कितना होना चाहिए 2 से 2.4 तक, यानी कि 5 to 6 centimeter होना चाहिए, और फास्ट कितना होना चाहिए 100 से 120 beats per minute होना चाहिए, ठीक है।
अलाउ करना है कंप्लीट रिकॉइल ऑफ चेस्ट को। अब आप एक और चीज़ देखो कि इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए और इतना भी ऐसे सुपरफिशियल भी नहीं होना चाहिए। जब आप एक कंप्लीट प्रेस करो और उसके बाद वापस हाथ ऊपर आने दो, फिर प्रेस करो, फिर ऊपर आने दो, फिर प्रेस करो, फिर ऊपर आने दो, यानी कि चेस्ट एक दफ़ा जब प्रेस हो जाती है तो हाथ आपका वापस ऊपर आना चाहिए ताकि चेस्ट जो है वो रिकॉइल हो सके। ठीक है, अगर हार्ट एक दफ़ा पुश हुआ है तो वो वापस रिलैक्स हो, पुश हो के रिलैक्स हो। इसी तरह चेस्ट है, जब कंप्रेस हो गई है तो वापस पोजीशन में आया। अदरवाइज क्या होता है, अवॉइड लीनिंग ऑन द चेस्ट बिटवीन कंप्रेशन। ऊपर लेट ही नहीं जाना, इतना भी नहीं झुक जाना कि चेस्ट वापस ऊपर ही ना आ सके। ठीक है, अच्छा वेंटिलेट एडिक्वेटली, आपने वेंटिलेट करना है यानी कि टू ब्रेथ से नहीं है। आफ्टर 30 कंप्रेशन ईच ब्रेथ डिलीवर हो ओवर 1 सेकेंड ईच कॉजिंग चेस्ट राइज। हर एक जो है हर एक ब्रेथ पे चेस्ट राइज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो है वो 1 मिनट 1 सेकेंड के गैप से होने चाहिए। कहा यह जाता है, रिकमेंडेशन ये कहती है कि जैसे आप खुद सांस लेते हो, जैसे कि आपने लिया उसी तरीके से उसको दिया, फिर उसको एक सांस दिया, इस तरीके से तो हमने 2 ब्रेथ्स देनी होती हैं। डू नॉट ओवर वेंटिलेट। ये नहीं कि जैसे आपने देखा होगा आजकल जो क्राइटेरिया चल रहा है, CPR चलता जा रहा है, वेंटिलेशन चलती जा रही है, उधर से चेस्ट कंप्रेशन दे जा रहे हैं और उधर से ब्रीदिंग दे जा रहे हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, मिनिमल इंटरप्शन। ठीक है, इंटरप्शन जो है वो मिनिमम होनी चाहिए फॉर वेंटिलेशन, लेस देन 10 सेकेंड होनी चाहिए। लेस देन 10 सेकेंड भी किसके लिए दी है, वो भी दी है सिर्फ ETT पास करने के लिए। ठीक है, और वो भी दी है सिर्फ और सिर्फ जो है अगर वो करना है CVP पास करनी है और एक आपने प्रिक करनी है और आपको लगता है कि इस दौरान आप CVP एक एक प्रिक में अच्छे से कर लोगे, तब आप लेस देन 10 सेकंड के लिए, या कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है तो आप कर सकते हो। ये नहीं कि वहाँ CPR चल रहा है और आप कहो कि मैं ज़रा ब्लड का सैंपल ले लूँ तो CPR रोक दो। नहीं, CPR में मिनिमम इंटरप्शन होनी चाहिए और वो भी लेस देन 10 सेकेंड होनी चाहिए। नॉट टू फास्ट, नॉट टू हार्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एयर वे आपने क्लियर करना है, जो थ्रस्ट करना है वो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, अच्छा हेड टिल्ट होना चाहिए और चिन लिफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टंग फॉल करने के चांसेस होते हैं, टंग अंदर गिर सकती है और जब वो गिरेगी तो वो एयर वे को ब्लॉक कर देगी। तो हमने ब्लॉक्ड एयर वे को खोलना कैसे है, जब हम हेड को टिल्ट कर देंगे, चिन को लिफ्ट कर देंगे तो एयर वे ऑटोमेटिकली खुल जाता है और पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सकता है और वो ब्रीदिंग ले सकता है जो हम उसे आर्टिफिशियल देंगे। ठीक है, ब्रीदिंग के लिए अगर आपको माउथ टू माउथ देनी पड़ती है तो आप देख सकते हो, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है और बच्चा है या बड़ा है तो आप कपड़ा रख के या गॉज वगैरह कुछ रख के तो पेशेंट को ब्रीदिंग दे सकते हो। टिश्यू वगैरह नहीं रख सकते, ऐसी चीज़ हम कुछ नहीं रखेंगे कि जिससे अगर हम ब्रीद के अगर हम सांस दे भी रहे हैं तो उधर से एयर पास ना हो, ये बहुत ख्याल रखना है। दूसरा, अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है या ब्लीड कर रहा है तो तब भी हम उसकी नेक वगैरह को मूव करने से अवॉइड करते हैं, एहतियात से करते हैं और अपनी सेफ्टी पहले है, सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी करो में कोई और काम करने। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकली होता यह है कि जो हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है उनके पास एक माउथ पीस होता है जी। ठीक है, जिसे पॉकेट मास्क भी बोला जाता है और वो अवेलेबल होता है हमारे पास। और लोग ज्यादातर ऐसा भी करते हैं जो कि बहुत कॉन्शियस होते हैं या अच्छे लोग होते हैं या बाहर के मुल्कों में जो कि इस चीज के लिए एक्सपर्ट होता है, ट्रेंड होता है, वो अपनी पॉकेट में हर वक्त रखते हैं ताकि कहीं भी खुदा ना खास्ता अगर जरूरत पड़े तो मैं उसे यूटिलाइज कर सकूं। जो बहुत डिवोशनल होते हैं हमारे जैसे, ऐसी कोई भी चीज़ साथ लेके नहीं चलते। तो ये माउथ पीस है, ये आप देख सकते हो, अगर एम्बो बैग अवेलेबल नहीं है तो ये एम्बो बैग वाला मास्क है, ये अच्छे तरीके से माउथ के ऊपर फिक्स किया और ऊपर एक हॉल बना होता है, उससे हम ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा हम ब्रीदिंग जो है वो एम्बो बैग से दे सकते हैं। एम्बो बैग आप देख सकते हो, आपने ये देखे हुआ है एम्बो बैग पहले भी, ये मास्क है, ये चैम्बर है और ये फुल बैग है। बैग को हम इस तरीके से, इसका जो बल्ब बना हुआ है इसे हम पुश करते हैं और छोड़ते हैं, और जिस तरीके से ये पुश कर रहे हैं इसने ई और सी टेक्निक यूज़ की हुई है, आप देख सकते हो। जो सी टेक्निक है, सी से उसने मास्क को पकड़ा हुआ है ऐसे, और ई से ये जो 3 फिंगर्स हैं इसका चिन को लिफ्ट किया हुआ है। अब आप जब चिन को लिफ्ट कर रहे हो, आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, चिन को लिफ्ट करते हुए कैरोटिड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आपने चिन को सिर्फ लिफ्ट करना है ऐसे। ठीक है, और ई सी टेक्निक से मास्क को पकड़ा होता है, जैसे ने पकड़ा और एक हाथ से एम्बो को प्रेस करना है। अब ये जो एम्बो बैग है, अच्छा कौन बताएगा कि ये जो बैग है इससे कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होती है एक दफा प्रेस करने से, एक ब्रीदिंग पे कितनी ऑक्सीजन, इसका टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? एम्बो बैग का टाइडल वॉल्यूम क्या है?
हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। बता दो। हाँ जी, नहीं किसी को। हाँ 500 और बाकी सब, बस एक को ही पता। बस एक को पता? नहीं, 800 तो नहीं है, 500। ठीक है ठीक है। टाइडल वॉल्यूम जो है वो इसका 500 होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सीई या ईसी टेक्निक। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। और आप ये ट्यूबिंग देख सकते हो, ये ऑक्सीजन हम इसके साथ अटैच करते हैं और फिर हम ऑक्सीजन पुश करते हैं ताकि मैक्सिमम हम वेंटिलेट कर सके पेशेंट को। 7 ml? 7 ml कैसे होगा? अच्छा, CPR का क्या है कि CPR आपने स्टार्ट कर देना 30 compression पे, 2 breaths पे। अब आपने मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले अभी हमने ब्रीदिंग का देख लिया ना, कि ब्रीदिंग का क्या क्राइटेरिया, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि पेशेंट जो है वो ब्रीद नहीं कर रहा, हमने उसका एयर वे क्लियर कर दिया, उसके लिए क्या करते हैं, चिन, हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया, है ना, क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया कि इसमें माउथ टू माउथ, आपने माउथ टू माउथ आपने ब्रीदिंग देने की कोशिश की। ठीक है, अगला आपने क्या किया कि माउथ पीस अगर यूज कर सकते हैं, बाहर कहीं पे हैं और माउथ पीस यूज करने की जरूरत है, अवेलेबल है, तो ये यूज करवाया जा सकता है। इसके अलावा एम्बो बैग यूज होता है, जब आपके पास आईसीयू में या कहीं पे भी अगर आपका पेशेंट कोलैप्स हो गया तो आपके क्रैश कॉट पे, पूरे हॉस्पिटल में आपने देखा है कि हमारी क्रैश कॉट में ये पड़ा होता है, एम्बो बैग हर वक्त अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम देखेंगे ब्रीदिंग के बाद जब हम बात कर रहे हैं CPR की, तो अब हम CPR, हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें पता लग गया कि पेशेंट का की का वो नहीं आ रहा, हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा, हार्ट नहीं है। ठीक है, पल्स लेस हुआ हुआ है पेशेंट, तो अब हमने CPR स्टार्ट करना है। ठीक है, AED अराइव्स है आपके पास, आ गया है। ठीक है, आप CPR दे कर रहे हो, तो आपको CPR के दौरान ये पता लगा, आपने जब मॉनिटर अटैच किया तो आपको ये पता लगा, या पेशेंट बेड पे ही था और आपने पहले आपने जैसे ही देखा पेशेंट की पल्स नहीं है, आपने CPR शुरू कर दी। जब सारी टीम आ गई तो उन्होंने कहा चलो जी मॉनिटर लगा के देखो, जब मॉनिटर अटैच किया तो पता लगा कि भाई पेशेंट जो है वो, उसको तो वो चल रहा है, शॉकेबल रिदम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने जैसे ही देखा आपको पता लगा कि पेशेंट को VT चल रहा है या V-fib चल रहा है। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, इन दोनों, ये दोनों सिचुएशन शॉकेबल रिदम्स हैं। ठीक है, इन दोनों शॉकेबल रिदम्स में जब आपने पेशेंट को शॉक देना है, आपने क्या किया कि जैसे ही आपने चेक किया शॉकेबल है या नहीं है, सपोज आप ये देख लो कि यस शॉकेबल, आप राइट, आप अपनी लेफ्ट साइड पे देख लो कि हाँ जी शॉकेबल रिदम है, तो आपने क्या करना है, गिव वन शॉक, रिज्यूम CPR इमिजिएटली फॉर अबाउट 2 मिनट्स। ठीक है, अनटिल प्रॉम्प्ट बाय AED टू अलाउ रिदम चेक। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यू अंटिल ALS प्रोवाइडर्स टेक ओवर और विक्टिम स्टार्ट टू मूव। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक शॉक दिया, उसके बाद जैसे ही हम शॉक देते हैं उसके फौरन बाद हम CPR दोबारा से शुरू कर, चेस्ट कंप्रेशन दोबारा से देते हैं जैसे ही हम एक शॉक डिलीवर करते हैं। उसकी क्या वजह है, कौन बताएगा, कौन बताएगा वजह? जब हम शॉक देते हैं, डिलीवर करते हैं, करंट डिलीवर कर दिया, जैसे ही शॉक दिया तो फौरन से हम CPR क्यों स्टार्ट कर देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन क्यों स्टार्ट करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, जवाब ढूंढने लग जाते हो, मुझे पता है टाइम कम है, 48 मिनट्स हो गया। अच्छा,
AED क्या है? मैं आपको उस वक्त से AED बोल रही हूँ और आपने मुझे एक दफा भी नहीं पूछा। AED जो है वो ऑटोमेटिक जो है हमारे पास एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, वो होता क्या है? वो ऑटोमेटिक, मैं आपको बार बार इसका बता रही हूँ। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि ये इसके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनिक इसके पैड्स होते हैं इलेक्ट्रोड के, जो वो डिस्पोजिबल होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये AED है। इसमें हमारे पास दूसरे वाले पैडल नहीं है जिसे हम हाथ से पकड़ के इस तरीके से बटन प्रेस करके शॉक डिलीवर करते हैं, ये वो नहीं है। ये डिस्पोजिबल होते हैं, इनके पीछे स्टिकिंग वो लगा होता है, एक कवर लगा होता है और पूरी इसके ऊपर जेल लगी होती है, तो चेस्ट के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाता है, एक स्टर्नम पे और एक एपेक्स पे, ठीक है, और लगा के छोड़ देते हैं। तो ये AED जो है बेसिकली ये अलग ये ऑटोमेटेड है और ये ऑटोमेटिक है। ये खुद से ही रिदम को डिटेक्ट कर लेता है। अगर इसे लगता है कि शॉकेबल रिदम है तो ये अनाउंस करेगा, ये बोलेगा कि भी शॉकेबल रिदम है और इसको शॉक की ज़रूरत है, नीड शॉक, और इस तरीके से जैसे ही ये कहेगा तो आपने शॉक का बटन प्रेस कर देना, शॉक उसको डिलीवर हो जाएगा। तो ये आपके माइंड में कहीं पे भी ये बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा, तो अगर आपके पास AED अवेलेबल है तो फिर आपको खुद से इस चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है। सिर्फ आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है। तो आप इसके लिए करते क्या हो? आप सिंपल काम ये करते हो कि आप सिर्फ बटन को, शो के बटन को प्रेस कर देते हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं AED। इसके अलावा हमारे पास जो मैनुअल होते हैं वो किस तरह के हैं? वो उसके पैडल्स आपने देखा है, वो साथ ही अटैच होते हैं, एक हम स्टर्नम पे रखते हैं और एक हम इस तरह से एपेक्स पे रखते हैं, और जैसे ही हमने शॉक देना होता है तो हम दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही शॉक दिया, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि शॉक देने के बाद हम पेशेंट को का CPR कंटिन्यू क्यों करते हैं? CPR मतलब कंप्रेशन हम इसलिए करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन हम इसलिए शुरू कर देते हैं। बेसिकली होता ये है कि जो है होता बेसिकली ये है कि हम शॉकेबल रिदम्स कौन से होते हैं। अब सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। फोर्थ ईयर, हाँ, ये आइडेंटिफाई करना आपके आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या, अच्छा, कि क्या आपको वो आती है, कि आपको पता है कि शोकेबल रिदम्स कौन कौन से हैं। शोकेबल रिदम्स की दो टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो पल्सलेस एक्टिविटी होती है, पल्सलेस बीपीलेस एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें पल्सलेस बीपीलेस में होता क्या है कि इसमें हार्ट पंप तो कर रहा होता है लेकिन लेकिन उस तरीके से पुश नहीं कर रहा होता, जैसे कि नॉर्मली हार्ट जो है वो इस तरीके से पहले पुश करता है फिर रिलैक्स होता है, मतलब इस तरीके से पंप करता है। तो वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में वो बेसिकली ब्लड को पूरी बॉडी में फेंक रहा होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो शॉकेबल रिदम्स हैं या पल्सलेस एक्टिविटी होती है हार्ट की, इसमें हार्ट रेट जो है वो 250 से 350 तक हार्ट रेट दे रहा होता है, यानी कि इतना फास्ट होता है, और इतने फास्ट होने की वजह से हार्ट सिर्फ थ्रिल कर रहा होता है, हार्ट पल्स नहीं बना रहा होता, पेशेंट की पल्स नहीं फील हो रही होती, इसलिए पेशेंट हमें उस टाइम में डाइंग कंडीशन में लग रहा होता है। और उस टाइम में अगर हम पेशेंट को शॉक देते हैं या CPR करते हैं तो हम उसकी पल्स को या हार्ट को वापस ला सकते हैं, ठीक है, वो जो थ्रिलिंग है उसे हम रोक सकते हैं। तो जो इस तरीके से थ्रिल कर रहा है और बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो हमने शॉक दे के उसको सीज करवाना होता है वहाँ पर। तो जब हम शॉक देते हैं हार्ट उस वक्त सीज हो जाता है, और जैसे ही हम पेशेंट को जैसे ही हम शॉक दे के फ्री करते हैं, हमने उसी वक्त ही CPR शुरू कर देना, क्योंकि हमने सीज में क्या किया, अगर आप मॉनिटर में देखो कभी शॉक देने के बाद अगर हार्ट रेट 250 से 300 तक आ रहा है तो वो एकदम से कम होता होता बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ECG एक दफ़ा फ्लैट शो होती है, तो हमें CPR करके उसको वापस लाना होता है, ठीक है। तो हम जैसे ही कंप्रेशन देते हैं तो हार्ट वापस आना शुरू हो जाता है और वो फिर नॉर्मल वापस आता है, नॉर्मल रिदम में आता है। तो हमने उसका रिदम भी वहाँ पे रेगुलर करना होता है। तो यही उन्होंने कहा है कि आपने इमीडिएटली रिज्यूम कर दिया CPR, और इमीडिएटली विद आफ्टर फॉर 2 मिनट्स के लिए किया, और उस वक्त तक आप दोबारा शॉक नहीं दोगे जब तक जो ऑटोमेटेड आपका जो वो है डिफिब्रिलेटर, जब तक वो इंडिकेट नहीं करता कि इसको दोबारा शॉक की ज़रूरत है, यानी कि आपने शॉक दिया और पेशेंट रिवर्ट हो गया, लेकिन दोबारा से उसको फिर ऐसा रिदम चला कि उसे शॉक की ज़रूरत है, तो फिर आप दोबारा से उसे शॉक डिलीवर करोगे। अगर क्या आपने देखा कि नॉन शॉकेबल रिदम है तो आपने CPR को इमीजिएट रिज्यूम किया इमीजिएटली फॉर अबाउट 2 मिनट्स अंटिल प्रॉम्प्ट बाय AED टू अलाउ रिदम चेक है कंटिन्यू अंटिल ALS प्रोवाइडर। अगर शॉकेबल रिदम है तो शॉक दे दो और टीम का आने का वेट करो, अगर नहीं शॉकेबल तो फिर भी आप CPR करते रहो और टीम का आने का वेट करो, ठीक है। ये AED है।
ठीक है, इसमें पैड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि स्टिक कर दी जाती हैं पेशेंट की चेस्ट के साथ, और आप ये देख सकते हो कि ये पैड्स हैं, ये रिमूवेबल होते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड जब आप किस तरीके से लगाते हो, जो फोर पोजीशंस होती हैं, एक एंट्रो लेटरल है, एंट्रो पोस्टीरियर है, एंट्रो इंटीरियर लेफ्ट इंफ्रा स्कैपुलर होती है, और एंटीरियर राइट इंफ्रा स्कैपुलर होती है। ठीक है, इसमें फॉर अडल्ट क्या है, इलेक्ट्रोड साइज जो है वो 8 to 12 सेंटीमीटर होता है, रीजनेबल है, और एनी ऑफ फोर पैड्स पोजिशन इज रीजनेबल फॉर द डिफिब्रिलेटर। इन चारों में से कोई भी पोजिशन डिफिब्रिलेटर के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। समरी क्या है, कंपोनेंट सीन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मेक श्योर करें कि इन्वायरमेंट जो है वो सेफ है रेस्क्यूअर के लिए, यानी कि आपके लिए प्लस विक्टम के लिए भी। ठीक है, और अब ये अलग अलग सिचुएशन सब में बताई हुई है, अगर अडल्ट है या अडोलसेंट्स आपके पास है, या चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, इन तीनों सिचुएशंस में आपने मेन कंपोनेंट्स किस तरीके से आपने उनको उनको आपने किस तरह से कंसीडर करना है। जैसे कि सीन सेफ्टी होगी, सब पे एक ही इम्प्लीमेंट होती है कि आपको अपनी सेफ्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है कि आपने रिकग्निशन आपकी होनी चाहिए कार्डियक अरेस्ट की, वो कैसी होगी, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, आपने रिस्पॉन्स देखा नहीं मिला, आपने देखा ब्रीदिंग भी नहीं है और गैस सिर्फ गैस्प कर रहा है, यानी कि नॉन नॉर्मल ब्रीदिंग है, नो डेफिनेट पल्स है, आपको 10 सेकेंड्स तक कोई पल्स फील नहीं हुई, ये नहीं कि आधा घंटा आप पल्स ही देखते रहो, नहीं, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी जल्दी डिसीजन लेना है। ब्रीदिंग और पल्स आपने चेक कर ली है, साइमल्टेनियसली आपने दोनों चीज़ें देखनी है लेस देन 10 सेकेंड में। अगला, आपने एक्टिवेट कर दिया इमरजेंसी रिस्पांस को, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इफ़ यू आर अलोन नो मोबाइल फोन लीव द विक्टम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एंड गेट द AED बिफोर बिगनिंग CPR। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप अकेले हो और आपके पास फ़ोन भी अवेलेबल नहीं है, तो आपने भाग कर जाना है और आपने क्या करना है, एक्टिवेट सिस्टम को इमरजेंसी एक्टिवेट करनी है आपने, और AED अगर पॉसिबल है तो अपने पास ले आओ, अगर हॉस्पिटल वगैरह में हो क्रैश खुदी की सीट के ले आओ, अगर नहीं अवेलेबल नहीं पॉसिबल तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो CPR स्टार्ट कर देना है, अदरवाइज सेंड समवन, अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप किसी को भेजो और आप खुद CPR स्टार्ट कर दो, जल्दी से AED मंगवा लो जितनी जल्दी हो सकता है। आपने विटनेस कोलैप्स ले लेने हैं, फॉलो स्टेप्स फॉर अडल्ट्स एंड अडोलसेंट्स ऑन द लेफ्ट। ठीक है, फिर उसके बाद विटनेस कोलैप्स में गिव 2 मिनट्स फॉर CPR, और फिर उसके बाद लीव द विक्टिम टू एक्टिवेट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स, मतलब ये सारी सिस्टम है। अब इसमें अगर कंप्रेशन और वेंटिलेशन आप दे रहे हो, इसकी रेशो विदाउट एडवांस्ड एयरवे कैसी होगी, इसमें 1 or 2 रेस्क्यूअर, चाहे जितने मर्जी रेस्क्यूअर हों, 30:2 का कंप्रेशन ही चलता है, वो जो 15:1 का था वो नहीं है, अब वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, अब चाहे जितने मर्जी रेस्क्यूअर हों, 30:2 का ही चलता है, और इसमें चिल्ड्रन अगर हो तो 1 रेस्क्यूअर हो तो 30:2 है, और अगर 2 हों या मोर हों तो 15:2 का होता है बच्चों में, यानी कि पीडियाट्रिक्स में चिल्ड्रन हो या इन्फेंट हो तो ये इम्प्लीमेंट होता है। कंप्रेशन और वेंटिलेशन की रेशो में अगर एडवांस विद एडवांस एयरवे है, तो अगर आपने एयरवे पास कर दिया होगा फिर आप करें तो कंटिन्यू कंप्रेशन आप देते रहोगे एट अ रेट ऑफ 100 to 120 बीट्स पर मिनट, गिव 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड में है, 10 ब्रेथ्स पर मिनट ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। कंप्रेशन रेट आपने जो है वही मैंने आपको कहा है कितना फास्ट होना चाहिए, 100 से 120 बीट्स पर मिनट का होना चाहिए। कंप्रेशन की डेप्थ जो है वो एटलीस्ट जो है वो 2 इंचीज होनी चाहिए, 2 to 2.5 यानी इंचीज तक जानी चाहिए, एटलीस्ट 1/3 एपी डायमीटर एडियोपोसिटी डायमीटर ऑफ चेस्ट होना चाहिए, अबाउट 2 इंचीज होनी चाहिए, और ये इन्फेंट और अडल्ट की अलग अलग दी हुई है। हैंड की प्लेसमेंट क्या है, 2 हैंड्स आपने ऑन द लोअर हाफ ऑफ द ब्रेस्ट बोन आपने रखने हैं, 2 हैंड्स और 1 हैंड आपने रखना है बच्चों के लिए। ठीक है, और 1 रेस्क्यूअर है तो आपने 2 फिंगर्स रखनी है सेंटर ऑफ द चेस्ट में बच्चों के, और या फिर आप थंब रखोगे। ठीक है, 2 थंब रखोगे, इस तरीके से थंब रख के हम बच्चे की चेस्ट को इस तरीके से कंप्रेशन दे रहे होते हैं जो न्यू बॉर्न होते हैं, बिल्कुल ही इन्फेंट होते हैं, अदरवाइज 2 फिंगर रख के इस तरीके से कंप्रेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, बहुत डीप नहीं जाना बच्चों का, इस तरीके से होता है। चेस्ट रिकॉयल में अलाउ फुल रिकॉयल, आप उसको रिकॉयल करने दो, डू नॉट लीन, आपने बिल्कुल ही बच्चे को बेचारे को किसी को भी दबा नहीं देना, मिनिमम इंटरप्शन होनी चाहिए, लिमिट करना है इंटरप्शंस को इन चेस्ट कंप्रेशन टू लेस देन 10 सेकेंड्स। ठीक है, लेस देन 10 सेकेंड्स होना चाहिए। कुछ समझ आई या नहीं आई? अगर दोबारा कोई लेक्चर रहा हमारा साथ तो फिर मैं आपको ये कम्प्लीट करवा दूंगी, अदरवाइज यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। बशरा क्या हाल है?
नुजत मुबशरा वैसे मैं आप लोगों के जो वो है मेरे साथ जो आपका ग्रुप है उसमें मैं ये लेक्चर आपको सेंड कर दूंगी, आप वैसे पढ़ लेना, इंटेलिजेंट हो सारे के सारे, आपको वैसे भी अच्छे से समझ आ जाएगी पढ़ के भी। और इसके अलावा जो AHA की गाइडलाइंस हैं वो भी मैं आपको सारी सेंड कर दूंगी, वो भी मेरे पास PDF में है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, समझ आई है? इतने सारे लोग हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ऑनलाइन हो। महविश क्या हाल है? शांजा भी, वाह शांजा तुम भी जिंदा हो। चलो ठीक है, गुड। एमन नहीं ऑनलाइन हुई? एमन है, एमन है, ठीक है। इंशा नहीं हुई? ठीक है, मैं ठीक हूँ। मैं भी, आप कैसी हो? अली हमजा नहीं है? अक्सा भी नहीं है? वीडियो नहीं आ रही? क्यों, बाकी सबको भी वीडियो नहीं आई? बाकी सबसे पूछो, मैंने तो ऑन की हुई है। छोटी सी नीचे आ रही होगी, नजर नहीं आ रही होंगी। मैं हीरा, हीरा नहीं आई? हीरा ऑनलाइन नहीं हुई? हुरिया भी नहीं है? इंशा भी नहीं है? किरण भी नहीं है? चलो बच्चों टाइम खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट किसी का लेक्चर होगा। ठीक है, चलो ओके, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय, टाटा।